अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार। जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है कि मैं मौजूद हूँ अपने ससुराल यानी चिड़ियाघर में, तो चलें अंदर चलते हैं और चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं आपको कराची ज़ू के बारे में बता देती हूँ। जिस वक्त मैं और आप आलम अरवा में खूब मज़े से आराम फरमा रहे थे, उस वक्त कराची ज़ू 1878 में बन चुका था। इस वक्त इसका नाम था महात्मा गांधी गार्डन, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1947 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया था कराची जूलॉजिकल गार्डन। और एक और ख़ास बात कि क्वीन एलिजबेथ के गिफ्ट किए हुए दो लायन स्टैचूज भी यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 33 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया ये वसी चिड़ियाघर है, जिसमें 880 के करीब जानवर मौजूद हैं और इनकी 80 स्पीशीज़ यहाँ मौजूद हैं। इसे गांधी गार्डन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कराची के गार्डन वेस्ट में मौजूद है, नश्तर रोड पर। टाइमिंग्स यहाँ की सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक है और मैं पहुँची हूँ यहाँ तकरीबन 3:15 तक। तो अब मेरे पास तकरीबन 3.5 घंटे हैं जिसमें मुझे पूरा चिड़ियाघर कवर करना है। तो चलें देर नहीं करते हैं और अब हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कराची ज़ू को। एक मज़ेदार बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वेंसडे यानी बुध का दिन ख़वातीन और बच्चों के लिए मखसूस है, और ऐसी तमाम ख़वातीन जो पर्दा करती हैं वो बहुत आराम से आके और बहुत ही मज़े से यहाँ पे जो है पूरा दिन अपना एंजॉय कर सकती हैं। वाइट लाइन है यहाँ पे, देख पता नहीं दिख तो नहीं रहा है। हाँ, सुना है लोग उसे जूम करके देखते हैं। सोया हुआ है, मज़ा नहीं आया, उठता तो अच्छा लगता। ये दुनिया का पहला गब्बर शेर होगा जितना डरपोक है। पता नहीं है यहाँ पे या नहीं, अंदर है दिखा नहीं है हमें। जब भी आओ गब्बर शेर बाहर नहीं दिखता, एक गब्बर शेर और एक भालू। देख लो इसे, मेरा कुतबा ऐसे ही बनवाना, उस पर दिखा देना फ्लेवर्स एंड टेक्स। ये तो खाली नहीं लग रहा कुछ, ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो 3:15 बजे भी अच्छा खासा खाली लग रहा है। आपकी बहन जो है ना वो वापस भागने का प्रोग्राम बना रही है। इतना सुनसान सा है कि मुझे थोड़ा खौफ सा आ रहा है। तो माना है कि मैं तेज़ भागती हूँ, लेकिन 33 एकड़ ज़मीन पे तो भाग भाग के मुझे भड़का बन जाएगा। वापस निकल लो तुम दोनों, हाँ सीधे यहीं से चलो। पहले हम इसको देख लेते हैं, एक्वेरियम आ गया है ना, लास्ट टाइम भी तो आए थे यहाँ। ये सही है, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। अभी तो मैंने पाँव पाँव चलना शुरू किया है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे यहाँ कोई टिकट नहीं है लग रहा है, वहाँ भी मज़ेदार चले गए बगैर टिकट के, मज़े कर अंदर। ये मैं फातिमा को दिखाऊंगी, खुश होगी फातिमा। हाँ फातिमा तो मज़े से देखेगी, उनको जूम कर कर के दिखाना होगा उनको, या शायद वो यहीं रुक जाएंगी बस। हेलो फिशी, ऐसी ज़बरदस्त यहाँ पे आके फीलिंग्स आती है ना कि बस मज़ा आ जाता है। बिल्कुल नेचर से करीब, सुकून है बहुत यहाँ। हालांकि बाहर इतनी गर्मी थी, अच्छा खासा टेम्परेचर हुआ है सर्दियों के दिन में भी, लेकिन चिड़ियाघर में आए दरख्त इतने हैं तो आपको ज़बरदस्त जो है वो अच्छा सा मौसम मिलता है यहाँ पर। हाँ फाइंड द नीमो, नीमो ये भी अच्छी है। वाइट 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 वाइट, आई एम मिसिंग माय फातिमा सो मच। मेरे हाथ अभी से दुख चुके हैं बहुत शिद्दत के साथ। सिल्वर शार्क है शायद, सारे मछली मेरी वीडियोस ही देख लिया करो।
का नाम क्या है? लायन हेड गोल्ड। वाइट ब्यूटी, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत सारे खाली भी हैं जी, ये खूबसूरत चीज़ों के लिए आपको यहाँ नहीं रखा जा सकता। सारे देखो ना, ये बहुत सारे हैं। हाँ, ये तो लड़ रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं पता नहीं है। ये तो कोई बड़ी बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं ये सब। वेट करवाना है मुझे, नहीं करवाना मुझे, इस फैमिली में जिंदा रहने दो। तो मैं 50 kg की हूँ अभी तक। अब लग रहा है कुछ रश वगैरह है आगे ऐसा, क्योंकि बच्चा पार्टी की आवाज़ें आ रही हैं। इसकी मैं बिल्कुल भी इसकी स्लो स्पीड का मजाक नहीं उड़ाऊँगी, क्योंकि मुझे पता भी यही हाल होगा थोड़े से टाइम के बाद मेरा। ये वाटरफॉल है आगे, आप शाहरुख बताया हसीन, बहुत ही प्यारा। जल्दी से आ जाओ आगे की तरफ। हाँ, ओहो जबरदस्त, माशाल्लाह खूबसूरत जगह है ये, सबसे प्यारी जगह अभी तक तो मुझे यही वाली लगी है ना। हाँ मेरी यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स ले रहे हैं लास्ट में, ठीक है। आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इतनी छोटी सी जगह पे इतनी खूबसूरती से वाटरफॉल है, और ये परिंदे भी हैं यहाँ पे, और इसकी आवाज़ जो है बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ ये आवाज़ आ रही है म्यूज़ियम की तरफ से, बस सीधे चलना है हमें, ठीक है। ये दरख्त ना आप जब आएंगे इसको भी लाजमी देखेंगे, बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना है ये, इसकी एज काफ़ी लग रही है। इसका ट्रंक देखें, नाम नहीं पता मुझे ये कौन सा दरख्त है, लेकिन बहुत ही हसीन, सुभान अल्लाह। ये फिट है, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, बहुत देखने में भी बहुत मज़ेदार सी लग रही है। तोड़ तो हम सकते नहीं है, इनके माशाल्लाह से बहुत मज़े होते हैं भाई बच्चे, और इतना अच्छा लगता है जूम में आके जब बच्चे आप देखते हैं ना, हंसते मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखते। हाय इतने वाइल्ड होते हैं, इतना बंद करके रखा हुआ कि आ ही नहीं रहा। खुश हो रही हूँ, तुम प्रपोजल दो तुम्हारे से। सुनो मेरा, जल्दी चल लो म्यूजियम की तरफ, बोल और तेजी से बोले जा रहे हैं, देख लिया उन्होंने। वो सारे जानवर ऐसे आराम कर रहे हैं, कितना ये मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं पूरे दिन। ये बलमाना सिंह ने मुझे बलमाना जैसे
चार टांग वाली मुर्गी। बिल्कुल सीधे जाओ ना सुबह में चार। बिल्कुल सीधे जाओ ना सामने शीशे में। ओके। नहीं मैं इस तरफ से स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है ये कराची ज़ू का, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस वक्त तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी वो अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि यहाँ पे तफरी की चीज़ें तो हैं ही खैर बहुत सारी, लेकिन तालीम के लिहाज से यहाँ पे ये सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स भी हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आपके बच्चे देखेंगे तो उनकी जो है वो नॉलेज में काफ़ी इजाफा होने वाला है, और इतने करीब से देखना और सारी डिटेल्स को जो है वो नोट करना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। यहाँ भी रश नहीं है, सिर्फ हम तीन लोग हैं अंदर, और इसीलिए काफ़ी खामोशी है, और बड़े मज़े से जो है वो हम तमाम एनिमल्स को ना अच्छी तरह रुक रुक के अच्छी तरह जो है वो देख रहे हैं। और मुझे तो बहुत अफसोस होता है इस तरह एनिमल्स को देख के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एनिमल्स। और मैं कराची से भी आ जाती हूँ साल या दो साल में एक दफ़ा लाजमी। इसके अलावा भी कुछ और कराची के एरियाज हैं जहाँ पर छोटे से ज़ू बने हुए हैं बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, तो बच्चों के लिए, लेकिन मैं भी चली जाती हूँ वहाँ। तो कितनी सेल्फीज लेनी है आपने? मैं भी बस अब जल्दी से जाने वाली हूँ चार टांगों वाली मुर्गी देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही सुना ना कि फोर लेगेड है ने यहाँ पर, तो बड़ा एक इश्तियाक हो रहा था कि चलो भाई देखें ऐसी कौन सी मुर्गी आ गई है यहाँ पर। दिल दुखा दिया मेरा बस सब से। सब ये जो मर जाते हैं सारे। मेरा मोस्ट फेवरेट एनिमल है ये मोहन, और इसको इस तरह देख के तो काफ़ी दिल दुख रहा है मेरा। समझ में नहीं आ रहा हाथी का सर। एक फैमिली और आ गई है अब उधर, तो अब थोड़ा शोर आपको सुनाई देगा। ओहो ये भी बहुत खूबसूरत जानवर है, मासूम सा। हाय अल्लाह सिम्बा सो क्यूट। भाई पता नहीं कहाँ चार टांगों वाली मुर्गी उन्होंने कहा था, अब तक मुझे ये हो रही कहाँ है भाई? ये मुझे लग रहा है वीडियो एडिट कर रहे थे, मेरी आँखें जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। सुने आपने तो नहीं खाई चार टांगों वाली मुर्गी? लो अच्छा उस तरफ थी, मुझे दिखी नहीं।
मैं समझ गई थी अलग से किसी उन्होंने जो बॉक्स में रखी हुई होगी। तो चलें, चल रही हूँ ये बिल्कुल सामने की तरफ। ये रही चार टांगों वाली हिरनी, फोर लेगेड हैन। वो कोई ये जो है ना, ये धोखा है, ये धोखा है। ये जोड़ी में है, दो टांगे पीछे से, कोई ये चार टांगों वाले मुर्गे कोई थी। इसका रंग भी चेंज, बेचारी रो रही है कि क्या किया ये मेरे साथ आदमी नहीं है। तो हमने पूछा था उन अंकल से म्यूजियम के गेट पे जो थे, जो टिकट दे रहे थे, कि ये वाकई में चार टांगों वाली है। तो कहने लगे मुझे तो यही बताया गया है, लेकिन हमने इतनी जालियां भी नहीं लगानी है, लगा दिए दो टांगे अलग से। हाँ, कुछ केजेस जो है ना उनकी ग्लास वॉल होनी चाहिए। वाह भाई, क्या आवाज पाई है आपने, आठवां सीख लगा रहे हैं ये तो। एक ही है, एक है या उधर क्या है? मेरा भी गर्म हो चुका है मोबाइल बिल्कुल इस वक्त। और यहाँ मेरे बाजू जो है ना, उछल चुके हैं मोबाइल उठाए उठाए। काश मैं भी अपनी स्कूल लाइफ में कोई डल स्टूडेंट होती, तो आज प्रैक्टिस होती हाथ ऊपर किए खड़े रहने की, तो आज मुश्किल ना होती मुझे। ये मैसेजेस भी आ रही हैं, और अगर आप जब भी आए ना यहाँ, तो अपने साथ जो है वो पानी की बॉटल और चिप्स और इस तरह का जो भी है वो ड्राई स्टफ लाजमी आप अपने पास रखें, क्योंकि इतना चलना पड़ता है माशाल्लाह से इतनी बड़ी जगह है कि आप बार बार फूड स्ट्रीट की तरफ रुक के नहीं जा सकते। तो बैग पैक में जितना आपके पास ड्राई स्टफ होता है खाने का, उतनी ईजली आप वॉक जो है वो बड़े आराम से चलते जाएंगे, खाते जाएंगे, चलते जाएंगे। मैं इसमें जा रही हूँ बारादरी की तरफ, बहुत खूबसूरत लगती है ये जगह भी। अभी आपको दिखाती हूँ, और मैं घर जाके जब एडिट करूँगी तो फिर आपके साथ दो पिक्चर्स भी शेयर करूँगी अपने यहाँ की बचपन वाली। और ये है मुगल गार्डन बारादरी, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। बहुत प्यारे दरख्त और फ्लावर बेड्स, क्यारियाँ यहाँ पे हैं, जिसमें इस वक्त उन्होंने नन्हे मुन्ने से पौधे लगाए हुए थे, जो कुछ बच्चों ने, शरारती बच्चे थे यहाँ पे कुछ ऐसे, जो भाग दौड़ कर रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने तोड़ भी दिए हैं, जिसकी वजह से अब वो आगे जो है वो जाने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे फाउंटेन भी है, वो भी इस वक्त मेरे ख्याल से उस पर कुछ काम हो रहा है, तो ऑन नहीं है फाउंटेन। और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ कुछ बहुत प्यारे ये दरख्त हैं, इनके साथ कुछ पिक्चर्स बना लूँ, तो देखते हैं आगे जाके परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। बोले किसी के साथ रियायत नहीं करो, वरना बाकी मैं आप लोग को छोड़ दे जा। आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, वैसे भी वो पढ़े लिखे भी जो है जबरी थे। खैर, यहाँ पे बंद किया हुआ था इन्होंने रिबन्स लगा के, और यहाँ पे जो है वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है वो गुलाब के फूल की बहुत वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा, और लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे हम, जहाँ हमें देखनी है अम्ब्रेला रोड फूड स्ट्रीट। अभी बिल्कुल नई ये बनी है, लेकिन इसका इफ्तिताह नहीं हुआ, 31 दिसंबर आई गेस इसका इफ्तिताह होगा। यानी इस गाने ने यहाँ पे भी जान नहीं छोड़ी है, तो भाई हमारे नेशनल सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं वो लगा लिया करें, लाजमी है कि इस तरह के गाने जो हैं वो, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे जो हैं वो आते हैं तफरी के लिए। लो भाई, ये भी हैं यहाँ पे, इनको देख के मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक बात याद आ गई, कि जो शख्स कुत्ते से भी ना डरे उसकी वल्दियत में शुबा है। ये कैंटीन है जहाँ पे अभी मैं हूँ इस वक्त, और बिल्कुल सामने जो है ये
मोर है यहाँ पे, तो आप बैठे बैठे जो है वो अपना खाना भी इंजॉय करें और साथ साथ इनको भी देख के जाएँ, बहुत ही खूबसूरत है ये। हम अमूमन जब भी ज़ू आते हैं तो बेकरी स्टफ साथ होता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि कैंटीन से इतना कुछ ख़रीदा जाए। तो अभी भी इस वक्त सिर्फ एक जिंगर बर्गर जो है वो ऑर्डर किया है। एक मरिंडा नहीं, नहीं एक मरिंडा ही कर दें। एक जिंगर के साथ यहाँ मक्खी है, वैसे मजाक के अलावा बहुत ही साफ सुथरा ये फूड स्पॉट है और जिंगर भी जायके में अच्छा था। माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद और ज़बरदस्त, तो इनका टिक्का बना लिया जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए। और मेरा तो हो चुका है अब थकन से बुरा हाल चल चल के, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी आ जाती है चिड़ियाघर में कि आप थकते हैं लेकिन फिर चलना शुरू कर देते हैं, यानी रुकने का आपका खुद ही दिल नहीं चाहता है यहाँ पर। 30 रुपीज़ यानी 30 रुपये में आप एंटर हों चिड़ियाघर में, और इसके अलावा जो यहाँ पे बाकी की चीज़ें हैं जैसे मछली घर है या रेप्टाइल हाउस है या म्यूज़ियम है, तो 30, 40 या 50, बस 50 से तो कम ही के सारे टिकट्स हैं। तो अगर आप हर जगह कोई एक्सप्लोर भी करते हैं और इसके अलावा अगर यहाँ कैंटीन से आप कुछ खाते भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, नॉमिनल चार्जेस थे उसके भी, तो आराम से 1000 में पर पर्सन जो है आपकी मज़ेदार सी तफरी हो जाएगी, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है 9 बजे से 6:30 बजे तक। तो घूमें बैठें आराम करें थोड़ा सा, फिर उठिए फिर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो मुझे इसीलिए पर्सनली चिड़ियाघर बहुत पसंद है, और वैसे भी ससुराल में आते जाते रहना चाहिए, बना के रखनी पड़ती है भाई, आगे काम पड़ सकता है। अब किस तरफ जाना है हमें? पीछे जाना है हमें। ये मेरे साथ वाले लोग डायरेक्ट करके खुद तो भाग जाते हैं, अब मेरे हाथ में है मोबाइल और मैं बना रही हूँ वीडियो, तो मैं ज़रा लेट हो जाती हूँ और फिर पीछे पीछे भागना पड़ता है मुझे इनके। आज तो मेरा सारा टाइम वीडियो बनाने में जा रहा है, लेकिन मैं इसी दिसंबर में दोबारा आने वाली हूँ और उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, उस दिन मुझे सिर्फ अपने ससुरालियों से बस अच्छी तरह हेलो हाय करना। ये कितने के? अच्छा, बहुत खूबसूरत हैं ये, बहुत ही नफासत से बनाए गए हैं। आप जब भी आए ना तो ऐसी चीज़ें खरीद लिया करेंगे, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। ओह माय गॉड, इतना बड़ा है ये, बहुत ऊँचा। हाँ यहाँ पे ना सुनो, यहाँ पे गद्दू को होना चाहिए था, वो बहुत ही देख के ना खुश हो जाता है इससे। यार गद्दू खुद को आपको लेके आएगी ना, आप देखोगे ना ये वीडियो, ठीक है। ये हैं अफ्रीका के हैं यहाँ, और इससे पहले जो एक था शायद नाम था मधुबाला, शायद वो अब नहीं है। यहाँ मैं इनके साथ वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खाऊ सकता हूँ और वो पूरे स्टाइल दे रहे हैं,
कहीं थप्पड़ ही ना लगा। क्या लग रहे हैं ये यहाँ पर कयामत, जरा इनकी चाल देखें आप, साइज देखें इनका, क्या खूबसूरत सुभान अल्लाह। हेलो, उसको भी दे दे बेचारा, वो ही खाए यार। छील के तो दे, आप छील के नहीं दे रहे हो। दोनों को खिलाओ, दोनों को मांग रहे हो। दूसरे वाले को भी खाए दो से और खत्म खत्म। चले अब मैं चल रही हूँ अम्ब्रेला रूफ फूड स्ट्रीट की तरफ, और इस दफ़ा यहाँ आने की वजह यही फूड स्ट्रीट है। बहुत ही खूबसूरत बनाई है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स और ज़बरदस्त, एक बहुत अच्छा इजाफा है कराची ज़ू में ये अम्ब्रेला रूफ फूड स्ट्रीट। और यहाँ पे दो लायन स्टैचूज़ भी हैं जो क्वीन एलिजबेथ ने गिफ्ट किए थे, और ये टोटल 6 हैं जिनमें से 4 लंदन में हैं और 2 यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी तक मैंने क्रोकोडाइल्स नहीं देखे थे, तो फिर याद आया कि जल्दी से अब इसको भी देख लिया जाए। तो अब मैं जा रही हूँ बोटिंग एरिया की तरफ, बोटिंग एरिया से पहले ही ये आ जाते हैं क्रोकोडाइल्स। लेकिन बिल्कुल ये तो बिल्कुल सोच से लेज़ी से लेटे हुए हैं, शायद सो रहे हैं। वैसे ये जो है ना जालियाँ मुझे बाउंड्री की बड़ी लग रही हैं, मुझे इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो शरारती बच्चे हैं और अगर दुबले पतले हैं तो वो तो आराम से जो है ना इसमें से हाथ वगैरह डालने की कोशिश करेंगे अंदर। तो सेफ्टी के हिसाब से इसको थोड़ा मज़ीद और मुझे लगता है बंद करना चाहिए। Thank you.
मैं आ गई हूँ रेप्टाइल हाउस में और यहाँ आते ही मुझे तो गूज बम्स आ जाते हैं। बहुत ही खौफनाक लगता है ये सारा कुछ। पता नहीं ये कितनी बड़ी वीडियो बनने वाली है और मेरी आवाज़ पता नहीं आप लोगों को कैसी आएगी, क्योंकि नकाब में माइक पता नहीं कहाँ जो है वो जा चुका है मेरा। ये है बोटिंग एरिया, लेकिन कराची ज़ू में मैंने आज तक बोटिंग जो है वो ट्राई नहीं किया है। यहाँ से आगे मुझे मुमताज़ महल दिख रहा है, लेकिन इस बार मैं मुमताज़ महल में नहीं जाऊँगी। बचपन में तो हम जाते थे और खूब मज़े वगैरह कर लेते थे, लेकिन अब मुझे मुनासिब नहीं लगता है कि आप किसी का जो है वो इस तरह मजाक बनाए। खा लेते हैं केले भी, भूखे होते हैं ना, भूखे होते हैं वो, लगते हैं ना जाले तो बाहर आ जाते हैं। तू अंदर भी नहीं दो को आ तू नहीं बोल रही हेलो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं भाई, ये तो जुएं निकालने में मसरूफ़ हैं, स्कूल वाले ने ले जाएं। आजकल स्कूल में बच्चों के सर में जुएं बहुत होती हैं। ये बड़ी ख़तरनाक जगह है भाई, यहाँ एक दफ़ा बच्चों को लेके आप आ गए ना तो बस निकलना मुश्किल है यहाँ से। मुझे याद है हम लोग भी आए थे ना, मुझे याद है हमारे स्कूल से ही पता चढ़ते हुए भाग गए। ओह अल्लाह, मुझे कोई पानी की जरूरत। सब पर्दा करते हैं, इतने ऊपर हम चढ़ के आए। सही है
अब तो मेरे पैरों को जो है ना वो चक्कर आ रहे हैं यहाँ पे चल चल के। ये भूत बंगला बाहर से ही देख लें, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ वरना भूत बाहर आ जाएंगे। सब खा लीजिए, जिस नहीं चिप्स में है कुछ थोड़ा बहुत खा दो। अभी अरे वो वाले यार ये कितने भूखे हैं भाई, सुनो ये सुबह से हम लोग जब आए थे तो सुबह भी ऐसे यहाँ से खोलो ना। नहीं नहीं इनको दिया ही नहीं है कुछ, खाना ही नहीं है इनको। नहीं नहीं ये लोग बहुत देते हैं। आप इन्हें फार्म हाउस खिला रहे ऊपर से डाल दो ना, मतलब ऐसे नहीं और छोटा करो, ऊपर से जरा फेंको ना अगर कर लो। इस कदर शोर कर रहे हैं ये जैसे कोई जलसा है। देखो पीछे भी जा रहे, तमीज से लाइन से खड़े हैं कितने। या अल्लाह ये तो बहुत ही भूखे लग रहे हैं। क्या कर रही हो, आगे डालो ना भाई, हमें इनके लिए और भी लेके आना चाहिए था। कौवे ना आ जाए, चलिए इनके साथ में एक वीडियो बना लेती हूँ छोटी सी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपना लोगों का और अपने माहौल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगेबान।